देखिए आप लोगों का साथ रहा। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जरूरी है जिस हिसाब से मशीनरी का उपयोग हो रहा है वो गलत है। व्यापारिक चुनाव अगर 41-41 बराबर होते अगर तो मैं मानता कि दूसरा पैनल है वहाँ 41-41 में अगर 10 आदमी है अगर तो वो मैं पैनल नहीं मान सकता हूँ, उसको पैनल वाला है नहीं। 31 आदमी अगर 10 के 10 भी आदमी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो समझ लीजिए है तो खाली 10 के लिए टक्कर, तो 31 आदमी तो जीते हुए हैं तो 10 आदमी क्या तो नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा। इस समय हम सूरत के कपड़ा बाजार में खड़े हैं जिसका एक अपना अलग महत्व है जो देश दुनिया में कपड़ा बाजार के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ चुनाव का माहौल है और फोस्टा चुनाव करा रही, फोस्टा ऐसी एक संगठन है जिसमें पूरे कपड़ा बाजार के लोग जुड़े हुए हैं। हर मार्केट से 2 लोगों का चयन होता है, ऐसे 211 मार्केट इस मतदाताओं के रूप में शामिल हैं। उसमें से हर मार्केट से 2 कैंडिडेट को लेकर के कुल 634 वोटर वोट करेंगे और 41 लोगों का चयन किया जाएगा जिसमें 2 पैनल बनी है, एक एकता की पैनल बनी है और एक विकास की पैनल बनी है। इस समय विकास के पैनल को लेकर के यहाँ लोग अपने मतदाताओं को समझाने आए हैं, जो व्यापारी संगठन से जुड़े हुए मतदाता हैं उन्हें बताने आए हैं कि हमें वोट क्यों करना चाहिए। आप अभी इस मीटिंग से बाहर निकले हैं, आप वोटर हैं? नहीं, मैं कैंडिडेट हूँ। हम सब कैंडिडेट हैं। अच्छा, आप कैंडिडेट। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। हम एक एक कैंडिडेट का परिचय कराते हैं और वो कोई चुनाव लड़ रहे हैं और लोग उन्हें क्यों वोट करें ये भी हम इनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम? दीपचंद चौधरी, हरिओम मार्केट। आप दीपचंद चौधरी हैं हरिओम मार्केट से, आप चुनाव लड़ रहे हैं विकास पैनल से। विकास पैनल, तो आप क्या बात कहना चाहते हैं मतदाताओं से जो वोटर हैं, व्यापारी वोटर? व्यापारियों का हर मुसीबत दूर करना चाहते हैं, जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम है उसके लिए हम एक मत होके उस प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम नवनीत गोयल है। आप किस मार्केट से? न्यू बॉम्बे मार्केट। कौन से? न्यू बॉम्बे मार्केट। न्यू बॉम्बे मार्केट से। आप क्या चाहते हैं, आप जीतने के बाद क्या करना चाहेंगे व्यापारियों के लिए और क्यों आपको कोई वोट करे? देखिए, आज की तारीख में पिछले 10 वर्षों से जो फोस्टा की स्थिति हुई है, जो कपड़ा मार्केट की स्थिति हुई है, उसमें सभी तरह की परेशानी आ रही है लोगों को व्यापार के अंदर। अभी GR को लेके, पेमेंट को लेके और भी अन्य प्रकार की असुविधाएँ हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि वो सब सुविधाएँ आए, व्यापार आदमी आराम से कर सके, अपनी इज्जत से 2 रोटी जो कमाना चाहता कमावे, जो पैसे लेके लोग भाग जाते हैं उन पर अंकुश लगे। जो पैसे लेके लोग भाग जाते हैं उन पर अंकुश लगे। अब हम आगे बात करते हैं, आप भी कैंडिडेट हैं, आपका नाम? हंसराज जैन, रिजेंट मार्केट में मेरी शॉप है, मरुधर केसरी के नाम से। तो आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्यों आप लोग वोट करें? चुनाव हम खुद अपनी पर्सनल मर्जी से नहीं चुनना चाहते हैं, हमारे को चुना गया है, जनता ने हमारे को कैंडिडेट बनाकर भेजा है, हम स्वतः नहीं लड़ रहे हैं। कैंडिडेट इसलिए बने हैं कि जो व्यापार में स्तर गिर रहा है और हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं उन्होंने हमारे को आगाह किया और उन्होंने आग्रह किया तो हम इस फील्ड में आए, जबकि हमारा ध्येय तो व्यापार का ही है, लेकिन व्यापार कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा था, उसको सुधारने के हिसाब से सब व्यापारियों की त्रस्त होती मर्जी को समझकर हम मतलब कैंडिडेट बने और चुनाव लड़ रहे हैं। व्यापारी जो परेशान है उनकी परेशानी को हल करने के लिए आप कैंडिडेट बने हैं। हम आगे चलते हैं, आप किस मार्केट से हैं और क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? महेंद्र सिंह भाईल, जस्ट टेक्सटाइल मार्केट से हूँ। रिंग रोड पे पिछले 12 साल से फोस्टा नाम की संस्था है, मगर वो मर्द अवस्था में भी वो कोई कार्य नहीं करती थी। आज 70,000 व्यापारियों का मार्केट है और बड़ी कठिनाइयों से जूझ रहा है। पिछले 2 साल से पीरियड बहुत ख़राब जा रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जाएँ? टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की हमने सरकार से मांग की है, टेक्सटाइल पुलिस स्टेशन की अलग से हमने मांग की है, सरकार हमारे को सहयोग कर रही है और आने वाले जो हमारी जनरेशन है, हमने तो बिजनेस कर दिया मगर टेक्निकल युग आ रहा है, टेक्निकल युग के लिए कुछ न कुछ पढ़ाई का चाहिए, उसके लिए हम साथ एक टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी खुले और वो सरकार ने सकारात्मक हमारे को बोला कि हम खोलेंगे। जब संगठित होकर हमारा
संगठन मजबूत नहीं होगा तो हम सरकार से कैसे पक्ष रखेंगे। तो उसी के लिए हमने अपना संगठन 41 उम्मीदवार खड़े हुए और विकास पैनल के पूरे 41 उम्मीदवार जीतेंगे, इसमें हमारे को कोई नो डाउट नहीं। और आने वाले टाइम में हम रिंग रोड के लिए और कपड़ा मार्केट के लिए जो फ्रॉड की बहुत समस्या है, काफ़ी है और हमारे लिए एक चैलेंज है, वो हमने स्वीकार किया और अंत से हम अच्छा करेंगे। संगठन की मजबूती की बात करें, संगठन मजबूत होगा तो काम अच्छा होगा। हम फिर आगे चलते हैं और नए एक अलग कैंडिडेट से कि आप जो है किस मार्केट से हैं, चुनाव लड़ रहे हैं तो किस बात को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम नीरज अग्रवाल है, मैं कोहिनूर मार्केट से कपड़े का व्यापारी हूँ। गत 10 से 12 वर्षों से जो हम लगातार देख रहे हैं कि इतनी बड़ी फेडरेशन, जो इतनी बड़ी संस्था जो कितना कुछ कर सकती थी, वो एक जो सुप्त अवस्था में जा चुकी थी उसको अभी जगाने की जरूरत थी, क्योंकि व्यापार का जिस तरह से व्यापार की स्थिति मार्केट में चल रही है, जिस तरह से मार्केट की स्थितियां चल रही है, उसको एक नेतृत्व की जरूरत थी। और जब हमें पता लगा और हमें मिले कैलाश जी जैसा एक कुशल नेतृत्व, जिसको देखते हुए तुरंत एक सेकंड के अंदर सभी युवा तैयार हुए और एक फौज तैयार हुई और इस मार्केट की सेवा करने के लिए, इस मार्केट के व्यापार को संभालने के लिए, व्यापारियों के हित के लिए सब इकट्ठे एकजुट हुए और एक मैनिफेस्टो तैयार किया गया, जिसके अंदर हर तरह से मार्केट की तकलीफ को, लेट पेमेंट को, मार्केट के अंदर जो अभी नई युवा पीढ़ी आ रही है उसको साड़ी ड्रेस के व्यापार के अलावा क्या नया मिले, उसके लिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी या टेक्निकल फील्ड को सेमिनार के माध्यम से लोगों को जानकारी देना, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमारा एक मैनिफेस्टो, हमने 17 सूत्री एक मैनिफेस्टो तैयार किया जिसके अंदर लगभग सब कुछ संकलित किया हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा पैनल भारी मतों से जीत के आए और व्यापार के लिए कुछ ना कुछ सूरत को एक इंटरनेशनल मुकाम पे पहुंचाए, यही आशा करते हैं। धन्यवाद। अच्छा, हम आपसे तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्यों सोचा और क्या किस बात को लेकर के अरुण पटौदिया जी धर्म के साथ साथ व्यापार की राजनीति में उतर गए। जय गो माता, जय गोपाल। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा कि धर्म के साथ साथ में व्यापार का की राजनीति में क्यों उतरे, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, जिस व्यक्ति की रग रग में सेवा का भाव भरा हो, वो सेवा चाहे गो सेवा हो चाहे मानव सेवा हो, हमने मानव सेवा पर्वत पाटिया में, मैंने और कैलाश जी ने पर्वत पाटिया के अंदर एक क्या है कि हॉस्पिटल खोल के आए थे और वो आज भी चल रहा है, वहाँ पर 350 पेशेंट आज भी आते हैं, वो भी एक मानव सेवा है। वो व्यापारी भाई की सेवा भी मानव सेवा है, ये भी मानव है। हमने पिछले 10 साल से देखा यहाँ पर हर प्रकार की समस्याएं अपना एकदम बंद हुई थी, केवल फोस्टा चालू रखने और बंद करने के अलावा कुछ नहीं था, और उसमें भी कई मार्केट के व्यापारी विरोध करने लग गए थे। अब देखो आप 15 दिन में कितनी जागरूकता है, आज दिन तक ऐसी मीटिंग कभी हुई नहीं, ऐसे कभी क्या है कि हमने पिछले 7 दिनों में 3 मीटिंग की है, व्यापारियों में खुद से खुद लगाव है, लग्न है, वो भी नया चाहते हैं, वो भी उनका पैसा डूब रहा है उसके प्रति चाहते हैं, उनका व्यापार शिथिल पड़ रहा है उसके प्रति भी वो एकदम लगनशील है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कैलाश जी हकीम के नेतृत्व में हमें सेवा का जज्बा है, सेवा करेंगे और सेवा करते ही रहेंगे। हमें प्लेटफार्म की जरूरत थी, सेवा करने वाले को कोई प्लेटफार्म की जरूरत नहीं होती है। 70,000 व्यापारियों की समस्याओं का निदान शायद जितना हो सकेगा उतना करेंगे। 17 हमने मैनिफेस्टो में समस्याएं लिखी हैं, जो समस्याएं पूर्ण होगी उनको पूर्ण करेंगे, पर जो नहीं हो पाई उनकी बुनियाद जरूर रखेंगे। और इसके माध्यम से भी मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, इसमें भी धर्म हमारा, मेरा मुख्य उद्देश्य धर्म ही रहेगा। 70,000 व्यापारियों में जिन व्यापारियों की दुकानें नहीं चल रही हैं, उनको मेरी माँ को, गोमाता को पार्टनर बनाने के लिए आह्वान करूँगा और उनको कहूँगा कि गोमाता को अपनी माँ बना के और पार्टनर बनाए, उनका व्यापार दिन रात चलने लगेगा। और वो जो पैसा आएगा वो भले कोई भी गोमाता के, चाहे कहीं भी कोई भी गौशाला में भेजे, उनको क्या है उस गौशाला में भेजना है। आपने सुना कि यहाँ धर्म भी होगा, राजनीति भी होगी, लेकिन राजनीति होगी व्यापार के हित के लिए होगी, व्यापारियों का जो काम अब तक नहीं हुआ है ये विकास पैनल उसे करेगी, ऐसा अरुण पटौदिया ने बताया। अरुण पटौदिया जी हम तो जानते हैं, लेकिन आपको दर्शकों को बताइए आप किस कपड़ा मार्केट से जुड़े हैं। मैं सिल्क सिटी मार्केट में पिछले 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पर मैं क्या 95 में आया था, तब मैं 95 में एक नौकरी दर्जे से यहाँ शुरुआत की थी, फिर मैं यहाँ दलाली के काम में आड़त के काम से शुरुआत की है मैंने, और आज मैं 8 साल से सेवा के कार्य में लग गया हूँ। मैं किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करता हूँ, मैं अपने आप मेरे आपके बच्चे इस व्यापार को संभाल लिए हैं, मुझे किसी भी प्रकार की व्यापार की टेंशन नहीं है। अब हम अगले कैंडिडेट से आपकी बात करा रहे हैं, आप किस मार्केट से हैं? मैं पारस मार्केट से हूँ, दिनेश बोगर मेरा नाम है, और मैं इस व्यापार के बारे में
समग्र व्यापारिक समस्याओं और संपूर्ण विकास के लिए विकास पैनल को ही चाहता हूँ और आह्वान करता हूँ सभी मतदाताओं से कि एक तरफ एक सिक्के से व्यापारी विकास पैनल के सभी कैंडिडेट को जिताएं जो जुझारू है नए हैं। रही बात आपने अनुभव की तो अनुभव तो हर एक कैंडिडेट बड़ा व्यापारी है, उसने वर्षों से व्यापार किया है, लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार करता है, हर चीज़ का उसको अनुभव है और वो हर एक मैनेजमेंट को कर सकता है और इसी तरह वो इस पूरे समग्र व्यापार को कपड़ा बाजार को दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि करके आगे लेके जाएगा। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की बात कर रहे हैं, अब तो हमने कैंडिडेट से बात किया, कोशिश करूंगा कि मैं आपकी बात मतदाताओं से भी कराऊं कि वो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ से मीटिंग से सुनने के बाद जो लोगों के बीच मेरा नाम चिन्नीलाल भोगर है, मैं पारस मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ और टेक्सटाइल मार्केट सूरत से जुड़ा हुआ हूँ। जो आप किसे वोट करना चाहते हैं, किस पैनल को वोट करना चाहते हैं या व्यक्ति विशेष को वोट करना चाहते हैं? मैं तो ईमानदार पैनल को वोट करना चाहता हूं जो विकास पैनल है, क्योंकि पूर्व में जो चुनाव हुआ था उसमें मैं भी उम्मीदवार था। पहले जिस उद्देश्य से जगनानी जी ने जो चुनाव कराया वो उद्देश्य व्यापारियों का पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि जो भी आए वो कब्जा करके बैठ गए और जगनानी जी को बाहर कर दिया और बाहर का रास्ता बता दिया, और जो बाद में बैठे वो एक आज के राजनीतिक भविष्य के लिए नीतीश कुमार बन करके बैठ गए थे। आप किसको वोट करना चाहते हैं, किस पैनल को, एकता पैनल को, विकास पैनल को या व्यक्ति विशेष को? हम तो विकास पैनल को वोट करेंगे, क्योंकि हमको विश्वास है कि विकास पैनल में जो उम्मीदवार है वो सभी ईमानदार उम्मीदवार है और निस्वार्थ उम्मीदवार है। इसलिए मुझे विश्वास है कि जो 70,000 व्यापारियों का जो एसोसिएशन है वो उसके लिए काम करेंगे ये, और मुझे विश्वास है ईमानदारी से काम करेंगे। इसमें धार्मिक उम्मीदवार भी आए हुए हैं और निस्वार्थ उम्मीदवार आए हुए हैं। इसलिए धन्यवाद। आपका नाम? मैं विकास जालान गुडलक टेक्सटाइल मार्केट का व्यापारी हूँ और हम लोग फोस्टा में विकास पैनल को पूर्व समर्थन देते हैं और ये फोस्टा का चुनाव 12 साल बाद होने जा रहा है और बहुत ही हम लोग सब उत्साह है कि हम हमारे सेवा में ये हमारे जो 41 कैंडिडेट है वो लगे हुए हैं, दिन रात आगे पीछे लगे हुए हैं। क्या लगता है आपको कि विकास पैनल के सारे कैंडिडेट जीतेंगे, एकता पैनल के एक भी नहीं? 41 का 41 पैनल विकास पैनल और हम लोग सब कैलाश हाकिम जी के साथ में हैं और हम पूर्ण सहयोग देते हैं। आपका नाम क्या है? शक्ति सिंह तंवर, पद्मावती टेक्सटाइल मार्केट। आप क्या चाहेंगे, क्या परिवर्तन चाहते हैं कपड़ा बाजार? हम परिवर्तन ये चाहते हैं कि हम मिलन मार्केट के विकास पैनल के संदर्भ में इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे छोटे से छोटे व्यापारी की समस्या का हल हो। बाहर की व्यापारी जैसे है ना, सूरत से कपड़ा लेके चले जाए उसका पैसा नहीं देते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान हो। विकास पैनल के माध्यम से हम यही चाहेंगे कि हमारी आवाज़ को बुलंद हो और व्यापारी का पैसा नहीं डूबे। विकास पैनल का समर्थन करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच एक और सामाजिक अग्रणी है, कपड़ा बाजार के जो है व्यापारिक नेता है, ये कहना क्या चाहेंगे उनसे हम जानना चाहेंगे। आपका नाम और किस मार्केट से जुड़े? विक्रम सिंह शेखावत मेरा नाम है, सूरत टेक्सटाइल मार्केट में। ये जो फोस्टा का इलेक्शन हो रहा है ये बहुत प्रतीक्षा के बाद हो रहा है। 10-12 साल का जो ब्लैकआउट पीरियड था, इस समय में जब कुछ कपड़ा मार्क जो कपड़ा व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था फोस्टा है जिसमें 70-80 हज़ार व्यापारियों का समावेश होता है, ऐसी संस्था निष्क्रिय हो गई थी पिछले समय में, उसके अभी इलेक्शन हो रहे हैं। और जो विकास पैनल है जिनकी सभा में आज हम बैठे हैं, विकास पैनल में जितने भी 41 कैंडिडेट हैं वो सब सामाजिक सेवा में एक सर्वोच्च सेवा कर चुके हैं। हर व्यक्ति समाज में अपना योगदान दे रहा है, चरित्रवान है, ऐसे विकास पैनल का समर्थन हम लोग कर रहे हैं और हमें पूर्ण आशा है कि जो छोटे व्यापारी हैं कपड़ा बाजार के, इन व्यापारियों की सभी जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनका समाधान फोस्टा करे आने वाले समय में, इसलिए हम पूर्ण समर्थन दे रहे हैं विकास पैनल को। आप ये बताएं कि ये कहा जा रहा है कि विकास पैनल में बड़ा उत्साह है, अच्छे लोग हैं, नए चेहरे हैं और एकता पैनल में जो पुराने चेहरे हैं, तो क्या उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, विकास पैनल में 100% नए उद्यमी हैं, व्यापारी हैं जिन्होंने व्यापार के क्षेत्र में भी एक सर्वोच्चता हासिल की है और सामाजिक जीवन में भी
इस पैनल के जो अग्रणी है कैलाश जी हाकिम, दिनेश जी कटारिया, कैलाश जी हाकिम को आज भी आधी रात को कोई व्यापारी अगर कोई समस्या बताता है उसके समाधान के लिए वो जितने सक्षम है पूरी ताकत लगा देते हैं। तो जो व्यक्ति बिना पद पे रहते हुए ये कर रहा है, यदि हम उनको पद से अलंकृत करेंगे तो कितना बड़ा काम वो कर पाएंगे। इसी आशा के साथ हम पूरा विकास पैनल के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ विकास पैनल की बात हो रही है क्योंकि जाहिर है कि विकास पैनल की बैठक है तो विकास पैनल की बात होगी, लेकिन विकास पैनल के लिए एक बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम आगे जानना चाहेंगे कि आप युवा हैं, आप व्यापार को किस दृष्टि से देख रहे हैं कि क्या परिवर्तन होना चाहिए? मेरा नाम शिषपाल धातुसरिया है। मैं कपड़ा बाजार के छोटे बड़े सभी व्यापारियों से विनम्र अपील करता हूँ कि कपड़े बाजार में विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए विकास पैनल को विजय बनाए। मैं पूर्ण सहमत हूँ कि विकास पैनल कपड़े बाजार में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। और यहाँ पे जो बैठी है वो पूरी टेक्सटाइल युवा टीम बैठी है, टेक्सटाइल युवा संघ टीम, और जिनका मतलब पूर्ण समर्थन है विकास पैनल को। बात करना चाहेंगे कि जो एकता पैनल है उसमें कहा जा रहा है कि अनुभवी लोग हैं, पुराने लोग हैं, लेकिन जो ये नया पैनल है ये उत्साह तो बहुत ज्यादा है इस पैनल में, तो क्या ये नए लोग कुछ बड़ा कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक अनुभव की बात है कि जो आप जैसा बता रहे हैं कि लास्ट इतने वर्षों से जो लोग थे वो अनुभवी लोग थे, उनके पास सिर्फ अनुभव ही था और अनुभव के साथ उनको करने का पूरा मौका मिला। व्यापारी शांत थे, चुप थे, यही देख रहे थे क्या पता अब इस साल इलेक्शन हो, नया चुनाव हो, नया कुछ मार्केट में आए व्यापारियों को इसके लिए नया काम हो, लेकिन उसमें जब कोई दिशा नहीं दिखाई दी, उस दिशाहीन मार्केट को देखते हुए ये कदम उठाना पड़ा। और उन्हीं में से ही आज समझिए कि वो हमारी एक बुजुर्ग पीढ़ी है, सीनियर पीढ़ी है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनसे हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, हमारा जोश, और दोनों मिलके व्यापारी के लिए जोरों से नया है। चलिए हम आगे। आप किस कपड़ा बाजार से हैं? राधारमन टेक्सटाइल मार्केट। और आप ये चुनाव लड़ने का क्यों सोचा? चुनाव लड़ने का व्यापारी हित में, व्यापारियों के विकास के लिए। आपको लगता है कि ये विकास पैनल के 41 के 41 लोग जीतेंगे? 41 के 41 जीतेंगे, नहीं जीत चुके हैं। आप किस मार्केट से हैं? राधारमन टेक्सटाइल। राधारमन टेक्सटाइल। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं और कैंडिडेट से बात करते हैं। आप हमारे बीच हैं, आप विकास पैनल के कैंडिडेट हैं, आप किस मार्केट से हैं और क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? रेशमवाला मार्केट से हूँ, विकास पैनल से खड़ा हूँ। आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं व्यापारियों के? मार्केट का, व्यापारियों का भला करना चाहते हैं। व्यापारियों का भला करना चाहते हैं। फिर हम अगले कैंडिडेट से आपकी बात कराते हैं। आपका नाम बताएं और किस कपड़ा मार्केट से आप जुड़े हैं? मोहन सिंह राजपुरोहित, शिव दर्शन मार्केट, छोटी बैगवाड़ी। तो आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? जो 8-10 साल से जो फोस्टा में जो हो रहा है उसको रोक के आगे जो गतिविधियाँ उसको व्यापारियों के हित में काम करना है। मेरा नाम ललित कुमार जैन, मैं अग्रवाल जैन भिवानी हरियाणा से हूँ। और किस मार्केट से जुड़े हैं? श्री श्याम मार्केट से। श्री श्याम मार्केट से। तो आप जीतने के बाद क्या करना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा पूरे कपड़ा मार्केट का, हर व्यापारी का विकास हो और विकास के नाम पर कोई भी तरह का चीटर या चीटिंग की संभावना, कोई भी धोखाघड़ी कोई भी ना हो। दूसरा, सभी व्यापारी भाइयों के बच्चे परिवार इस टेक्सटाइल का अनुभव लें। मैं खुद बीटेक हूं और मेरे को कपड़े की गुणवत्ता और उसके बारे में, और ये कपड़ा कितना ज़रूरी है उसके बारे में पूरा अनुभव है। अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में भी मैं चाहूँगा हर व्यापारी को इसकी नॉलेज हो, इसे वो अपना एक्सपोर्ट कर सके, इंपोर्ट कर सके। आपने सुना कि सभी लोग एक ही बात कर रहे हैं कि धोखाधड़ी से बाजार को बचाना है, यानी कि इस बार का चुनाव है धोखाधड़ी से बचाने के लिए। जो आए दिन कपड़ा बाजार से पार्टियां उठती हैं उससे लोग परेशान रहते हैं और विकास पैनल ने इसी मुद्दे को लेकर के आगे चल रही है। एकता पैनल में भी हम ले चलेंगे, लेकिन हम विकास पैनल के और भी लोगों से बात कराएंगे और मतदाताओं से भी आपकी बात कराने की कोशिश करते रहेंगे। जब नई जिम्मेदारी आएगी तो मार्केट का एक नया विस्तार होगा तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी, ऐसे में आप क्या करेंगे, क्या विजन बना के आपने रखा है? पिछले 12 साल से कोई फेडरेशन के चुनाव नहीं हुए। जहाँ पर फेडरेशन मजबूत होती है वहाँ पर व्यापार बहुत सुखद होता है। यहाँ पर लोगों के पैसे, सूरत के जो थीटर सूरत उसके काफी लोगों के, सबसे बड़ी यहाँ चोट यही है कि बाहर के पैसे यहाँ समय पर नहीं आते हैं। उसका सबसे पहले सोल्यूशन करने के लिए आर्बिट्रेशन लॉ लाएंगे, जिससे सूरत के जो भी व्यापारी माल बेचते हैं उनका पेमेंट समय पर आ रहे, कोई पेमेंट मार नहीं सके, इसका सोल्यूशन सबसे पहले होगा। दूसरा, एजुकेशन। यहाँ पर टेक्सटाइल के काफ़ी लोग जुड़े हुए परंतु टेक्सटाइल के नाम से कोई एजुकेशन नहीं, कोई यूनिवर्सिटी लाने का पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर
अच्छा, उस यूनिवर्सिटी में कौन से लोग पढ़ेंगे? केवल व्यापारी के बच्चे पढ़ेंगे कि जो वहाँ काम करने वाले मजदूर हैं उनके भी बच्चे पढ़ेंगे? ये टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी जो भी बनेगी उसमें जितने जिनको भी टेक्सटाइल से संबंधित काम करना है, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे लेबर हो, उसके अकॉर्डिंग उनको शिक्षा दी जाएगी कि अपने काम का परफेक्शन वो कैसे करें, एक भी घिसी पिटी तरीके से काम नहीं करके उस काम को मॉडिफिकेशन और नई टेक्नोलॉजी के साथ काम, तो सारी टेक्नोलॉजी के साथ उसमें एजुकेशन होगी ताकि व्यापार में प्रोडक्शन बढ़ सके और काम काज अच्छा हो सके। धन्यवाद। आप किस मार्केट से हैं और आपका नाम क्या है? अरविंद गाड़िया, जगदम्बा मार्केट, संरक्षक की जवाबदारी जी। आप कैंडिडेट के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं विकास पैनल से? एकदम लड़ रहे हैं भाई साहब, विकास पैनल से कैंडिडेट हैं। आप व्यापारियों को क्या कहना चाहते हैं, क्यों आपको वोट करें व्यापारी? व्यापारी आपको वोट क्यों करें, क्या कहना चाहेंगे? आज अपने व्यापारियों की बहुत बड़ी समस्या है, भुगतान की समस्या। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आज सूरत का जो व्यापार है वो उधार पे होता है। एक चीटिंग की व्यवस्था, हमारी जो पुरानी फौजता थी उन्होंने पिछले 10-12 सालों में कोई चुनाव नहीं करवाए। एक तरह से बोला जाए तो हमने अपनी दुकान जिस प्रकार किसी को 1-2 साल के लिए किराए पे देते हैं, हमारी संस्था का उनको दायित्व दिया गया था, किंतु वो पिछले 10 सालों से कुछ कार्य ना होने के कारण हमारा यहाँ की संस्था बहुत पीछे पड़ चली गई। और आज हमारी जो कई तरह की जो समस्याएं हैं, जैसे भुगतान की समस्या हुई, कोई भी सरकारी समस्या हुई, उन सबको निपटने के लिए संस्था की आवश्यकता पड़ती है। धन्यवाद। हम बात कराते हैं कि क्यों एकता पैनल पे कैंडिडेट होने के बाद इन्होंने विकास पैनल को अपना समर्थन दिया। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप जब एकता पैनल से चुनाव लड़ रहे थे तो फिर विकास पैनल को समर्थन देने की बात कैसे आ गई? सर, एकता पैनल का जो था मोटो था वो कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। मैंने पूछा भी था आपका क्या क्या एजेंडा, आप क्या क्या काम करना चाहते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जब मेरे को समझ में नहीं आया तो मेरे पार्टनर है उसके साथ में मिलकर बात हुई, उसके भैया ये समझ में नहीं आया अपने को, बोले ठीक है तो अपन चलते हैं केला जी के हकीम के पास में। केला जी हकीम से मिल के आए, उनका जो अपना विजन था वो उन्होंने अपना बताया। फिर उसके बाद में हमारा निर्णय ये हो गया भाई अपने को इस मेंबर के, इस ग्रुप के साथ ही रहना, इस ग्रुप के साथ ही जुड़ना है। तो क्या लगता है कि एकता पैनल पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी, विकास पैनल के 41 के 41 जीत के आएंगे? जी हाँ बिल्कुल सर, 100% नहीं, 101% विकास पैनल ही जीतेगा, 101% एकता पैनल के कोई लोग सिंगल, नहीं आए सिंगल भी कहीं, इसीलिए तो आपने चुनाव मैदान मैं चुनाव में लड़ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो खुद अभी आप लड़ रहे थे ना? नहीं, मैं विकास पैनल के सेकंड डे थर्ड डे ही आ गया, क्योंकि मुझे जब आप मीटिंग में जाएंगे आप कहीं पे देखेंगे करेंगे, उनका एजेंडा समझ में नहीं, उनकी नीयत समझ में नहीं आया, तो आपने विकास पैनल को समर्थन कर दिया। अब अभी तक आपने युवा कैंडिडेटों को देखा, अब हम आपको बुजुर्ग कैंडिडेट को, अनुभवी कैंडिडेट को, जो कपड़ा बाजार से काफी कुछ जो है उन्हें अनुभव है, ऐसे कैंडिडेटों से भी आपको जो है मुलाकात करवा रहे हैं। और आप बताइए, आप किस मार्केट से हैं और क्या नाम है आपका? गुलशन कुमार नंदवानी, संगनी टेक्सटाइल हब बी से हैं जी। तो सरोली से। आप ये चुनाव में व्यापारियों के किस हित को लेकर के चुनाव जीतने के बाद पहला आपका क्या कार्य होगा, क्या चाहेंगे कि आप व्यापारियों से वोट मांगने के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम व्यापारियों से वोट मांग भी रहे हैं और व्यापारियों के सामने हमारा एजेंडा भी पहुंच चुका है जी। और सारे व्यापारी हमारे फेवर में भी हैं और पूरी सेवा करने की ही हमारी भावना है, सिर्फ हम उनके सेवादार बन के ही रहेंगे, जैसा कि हमारे लीडर भी बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम सेवादार बन के रहेंगे, हम फिर आगे आपकी बात करा रहे हैं, आपका नाम क्या है और किस मार्केट से हैं? सुंदरलाल चोपड़ा, ऑर्चिड टावर से हूँ मैं जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कपड़ा बाजार में किस तरह का परिवर्तन देखना चाहते हैं? कपड़ा बाजार में जो अभी तक पिछले दिनों में जो फोस्टा एक तरह से निष्क्रिय थी, अभी नए से चुनाव हो रहा है, हम 41 जन कैंडिडेट हैं इसमें, हमारे विचार से हर तरफ के जो भी काम होगा, व्यापारी का पेमेंट की धारा में हो, व्यापारी का पैसा फंसने में हो, ट्रांसपोर्ट का हो, या व्यापारी की कोई भी सुनाई होगी वो सब हम ध्यान में रखेंगे। व्यापारियों की जो भी समस्या होगी उसे खत्म करने का भरपूर प्रयास करेंगे। हम आपको चलते हैं कि अब तक जो है पर्दे के पीछे पोस्टा को चलाने वाले आप खुद पर्दे पे आए हुए, ऐसे जो है जलान जी को, जो काफी पुराना चेहरा है, पहली बार जो है ये मैदान में उतरे हैं, ये क्या कहना चाहेंगे और किस कपड़ा बाजार से हैं और व्यापारियों के किस तरह के हित करना चाहेंगे, हम बात करते हैं। आप अपना नाम और मार्केट बताइए।
सज्जन जलान, न्यू टेक्सटाइल मार्केट, पास्ट प्रेजिडेंट NTM। हमारा विकास पैनल जो है वो पूरी विकास पैनल मिलके जो है जो भी हमने मैनुफेस्टो बनाया 17 पॉइंट उसके अंदर है हमारे, जिसके अंदर हम सभी मार्केट के व्यापारियों का पूरी टेक्सटाइल विस्तार के जो भी व्यापारियों के हितों की बातें हैं, चाहे वो धारा धूर्णन हो गई, चाहे वो अपने मार्केट में टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी हो गई, चाहे अपने व्यापारियों के लिए कोई भी सुविधाएं हैं, हर तरीके की सुविधाएं व्यापारी जगत के लिए जो भी चाहिएगा वो हम सरकार से, SMC से और सभी व्यापारी मिलके टेक्सटाइल विस्तार के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और बहुत से ग्रीस का जो रिजल्ट जो है आप सबके सामने, व्यापारी के सामने दिखेगा कि हमारी विकास पैनल किस तरीके से काम करती है। जो आने वाले टाइम में पोस्टा का जो कार्यकाल है वो सबसे जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद। आप अभी तक पोस्टा के काफी समय से जुड़े रहे, चुनाव नहीं लड़ते रहे, लेकिन आपको अनुभव है, पुराने व्यक्ति हैं, आपको क्या ऐसा लगा कि आपको चुनाव मैदान में उतरना पड़ा? व्यापारी हित के लिए जो पोस्टा के हमने कार्यकारी अध्यक्ष और सेक्रेटरी को चुनाव के लिए हमने कराने के लिए भेजा था, लेकिन वो 8 से 10 साल तक उस पर जो है काबिज होकर बैठे रहे, और जिस चीज़ के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने के लिए हमने उनको भेजा था, लेकिन उन्होंने व्यापारियों का हित तो नहीं, अहित करते हुए उनको हटाने के लिए, व्यापारी इसके लिए कार्य करने के लिए, इसलिए हमें लगा कि हमको आगे आना चाहिए और पोस्टा में चुनावी लोकतांत्रिक प्रक्रिया स्थापित करने के लिए और अपने टेक्सटाइल व्यापारियों का भविष्य सुधारने के लिए उसमें हमारा छोटा सा योगदान है कि हम चुनाव को कराएं और आगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होते रहे, इसलिए हम इसमें चुनाव में आ गए। धन्यवाद। बहुत अच्छा। इस समय हम कैलाश जी हाकिम, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, या यूं कहें कि कपड़ा बाजार में जिसका उत्साह हर जगह देखने को मिला, हमने आपको सभी कैंडिडेटों से बात कराया, सबने कैलाश हाकिम जी की बात की, मतदाताओं ने जो वोटर हैं कपड़ा व्यापार से जुड़े जो व्यापारी वोटर हैं उन्होंने भी कैलाश जी हाकिम की बात की। ऐसे कैलाश जी हाकिम जो एकदम हसमुख स्वभाव के हैं, जिनका राजनीति से ज़्यादा सेवा में जो है सरोकार था, और राजनीति या यूं कहें कि व्यापारियों के हित के लिए अचानक उन्हें मैदान में क्यों उतरना पड़ा, यही सवाल हमारा होगा। और जीतने के बाद क्या, क्योंकि जीतना तो जो साव बाजार में दिख रहा है, 41 के सामने जो एकता पैनल है वहाँ धराशायी नजर आ रहा है, वहाँ काफ़ी कम कैंडिडेट हैं, और वो कैंडिडेट भी बाजार में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, हम वहाँ भी आपको ले चलेंगे। उससे पहले हम कैलाश जी हाकिम से बात करते हैं कि कैलाश जी, आप सेवा के लिए जाने जाते थे, आप इस व्यापारी राजनीति या व्यापारियों के नेता बनने कैसे निकलाए? दुबे जी नमस्कार। ये मैं राजनीति का अखाड़ा नहीं समझता हूँ, और राजनीति को भी गलत नज़रों से क्यों देखा जाता है। एक देश का राजनेता वैज्ञानिक से भी ज़्यादा विकास कर सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और मैं सेवा करने लिए मार्केट में उतरा हूँ। हमारे व्यापारियों की बहुत सारी समस्याएं थी, जो पिछले 14 सालों से ऐसा कोई संगठन नहीं था जो हमारी आवाज़ को, हमारी समस्याओं को आगे तक पहुंचा सके, डेवलपमेंट कर सके। व्यापार का स्तर रोज गिरता जा रहा है, सूरत का व्यापार दूसरी मंडियों में ट्रांसफ़र हो रहा था, तो हमारे आने वाली पीढ़ी को हमें एक नई दिशा देनी थी। व्यापारियों के साथ हो रहे फ्रॉड, हो रही चीटिंग, उन लोगों से हमें उस दमन से मुक्ति दिलाना था। हमें GST से संबंधित बहुत सारी समस्याएं जो लग रही थी, जो रिफंड नहीं आ रहे थे, उनसे हमें सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के वो रिफंड लाने थे। ऐसी अनेकों अनेक समस्याएं हैं, ये राजनीति का खड़ा नहीं है। हम लोग यहाँ सेवा करने के लिए इस मंच पे आए हैं। हम लोग अपने आप को कोई डायरेक्टर पोस्टा के नहीं बता रहे हैं। हमारा पहले दिन से हमने घोषणा पत्र निकाला, उसका नाम हमने संकल्प पत्र दिया था, और हमने अपने आप को पोस्टा उम्मीदवार न कह के अपने आप का नाम सेवादार रखा है। कैलाश जी, लोग जीत के आते हैं डायरेक्टर, फिर पोस्टा का प्रमुख चुना जाता है, यहाँ आपके जीतने के पहले ही आपके प्रमुख होने की बात हो रही है, ऐसा कैसे ये माहौल इस तरह का व्यापारियों में जो विश्वास आपने जीता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सेवा का ही नतीजा है। आदमी जी सच्चे दिल से और बिना कोई पद लोलुपता के, बिना कोई ऐसी भावना से, सिर्फ आप सेवा करने के लिए निकल पड़ोगे तो अपने आप, मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं अकेला अध्यक्ष नहीं हूँ, 41 के 41 के लोग मेरे साथ, उनमें वो सभी एक, मैं संरचनात्मक ढांचे के रूप में मुझे अध्यक्ष बनाया जा रहा है, लेकिन सभी अध्यक्ष पद के दावेदार जैसे हैं, सब योग्य हैं,
उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया है, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। बाजार में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कैलाश हाकिम जी ने जो पैनल बनाया है, भले ही युवा उत्साहियों को बनाया है, लेकिन युवाओं का नए चेहरों को बनाया है, जिससे कोई भी प्रमुख के चुनाव के लिए उनके सामने चुनाव में उनके ही विकास पैनल में कोई प्रतिद्वंदी न बने। ये परिपाटी मेरे पुराने जो 10 साल से राज कर रहे थे उन साथियों की सोच है। हम जब लोग जाएंगे, मैंने पहले कहा कि हम लोग ऐसा संविधान बना के जाएंगे कि हमारे बाद जिस दिन मैं इस पद से विमुक्त हूँ, इस दायित्व से विमुक्त हूँ, तो 1000 कैलाश हाकिम रिंग रोड पे पैदा हो, 1000 फोस्टा के लिए अध्यक्ष के दावेदार पैदा हो, और हर आदमी अपनी अपनी योग्यता होती है। अनेकों अनेक संगठन ऐसे हैं, पद मिलना और दायित्व पूरा करना ये बड़ी बात नहीं होती है, बिना पद के भी आप सेवा कर सकते हैं। मैंने 15-20 साल से बिना कोई प्लेटफॉर्म से मेरे व्यापारियों की, मेरे सामाजिक मित्रों की, सूरत शहर की सेवा की है, और आगे भी यदि मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा तो भी मैं सेवा करता रहूँगा। धन्यवाद। आपका नाम? लल्ली शर्मा, अध्यक्ष सेक्शन विभाग। आप ये बताएं कि ये पोस्टा जो है, ये कब से इसकी शुरुआत हुई, और पोस्टा आज जो पोस्टा है उसको लेकर के लोग धोखाधड़ी की बात ज़्यादा कर रहे हैं कि चुनाव धोखाधड़ी पे है, आप किस दृष्टि से देखते हैं, चुनाव किस पर निर्धारित है? पोस्टा जब से बनी है, मेरे को लगता है इसकी न्यूज़ जो पड़ी थी ना, वही कोई उस समय मूर्त कोई लगता है अच्छा नहीं रहा होगा। ये जब से संस्था बनी है तब से कुछ न कुछ विवाद इसके साथ में चलता आ रहा है, चाहे वो कुंवर अजय को लेकर के विवाद हो, चाहे उत्तराखंड मामले को लेकर विवाद हो, चाहे इसको चुनाव नहीं करवाने के लिए लेकर के विवाद हो, ऐसे कई विवाद इससे जुड़े हुए हैं। और जब भी मैंने देखा है, पीछे भी 2-3 बार अध्यक्ष जो थे उन्होंने भी चुनाव नहीं करवाया था, और इस बार फिर से ऐसा हुआ। 2012 के अंदर चुनाव हुआ था, 2015 में चुनाव लंबित हो गया था कि चुनाव अब करवाना है। 2015 में मनोज अग्रवाल अध्यक्ष बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष अमरजी कुदिया के द्वारा, और उसके बाद में 2015 से लेकर 2023 तक 8 साल बीत गए, लेकिन चुनाव के बारे में किसी ने कोई चर्चा नहीं की। यह अलग बात है कि हम लोग चुनाव के लिए प्रयास करते थे, थाली बजाते थे, लोटा बजाते थे, बैनर लगाते थे, मार्केटों के द्वारा लेटर हम जारी करवाते थे कि भाई आप चुनाव करवाई नहीं तो आपका हम बरमान नहीं मानेंगे। अन्य तरीकों से हमने इनको चुनाव करवाने के लिए बाध्य किया, लेकिन फिर भी इनके कान में जूं तक नहीं रहेगी और बड़े ढीठ होकर के बैठे रहे और चुनाव उन्होंने नहीं करवाया। लेकिन भला हो हमारे एक भाई जय शर्मा का, जिसने उन अध्यक्ष जी के मुंह के ऊपर कालिक मली, स्याही मलने के बाद में उनको अक्ल आई कि नहीं ये गलत हो रहा है, अब चुनाव करवाना चाहिए। फिर उन्होंने चुनाव अधिकारी नियुक्त किए, चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए, अब सामने जो चुनाव होने जा रहा है उस समय तक अब ये नहीं है कि वहाँ पर कोई दूसरा पैनल मेरे को दिखता नहीं है। कालिक पोतने के बाद चुनाव हुआ, ऐसा ललित जी बता रहे हैं कि अगर कालिक प्रमुख को नहीं पोती जाती तो चुनाव नहीं होता, यानी कि पुरानी फोस्टा जो थी उस पर कालिक पोती गई तो नए फोस्टा की शुरुआत की जा रही है। अच्छा, ये बताएं कि एकता पैनल और विकास पैनल, ये दोनों पैनलों में आपको क्या अलग दिखता है? दूसरा पैनल है नहीं ना, अगर 41-41 बराबर होते अगर तो मैं मानता कि दूसरा पैनल है। वहाँ 41-41 में अगर 10 आदमी है अगर तो वो मैं पैनल नहीं मान सकता हूँ, उसको पैनल वाला है नहीं। 31 आदमी अगर 10 के 10 भी आदमी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो समझ लीजिए है तो खाली 10 के लिए टक्कर, तो 31 आदमी तो जीते हुए हैं, तो 10 आदमी क्या तो नंगा नहाएगा और क्या निचोड़ेगा इसके लिए। वो मैं चुनाव तो मैं समझ नहीं रहा हूँ कि चुनाव हो रहे हैं, वो तो एक खानापूर्ति है खाली, और खानापूर्ति है वो हो जाएगी। अब अगर कोई व्यक्ति लगेगा अगर सामने तो हो सकता है उसको वोट देवे, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि कुछ इसका कोई फायदा हो पाएगा सामने वाले पक्ष का। आपने सुना कि सामने कोई नहीं है, एकता पैनल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 41 के सामने 41 होना चाहिए था और 41 नहीं है, वो केवल चुनाव लड़ रहे हैं, खाना पूर्ति करने के लिए लड़ रहे हैं। आपने देखा कि ये बाजार का हाल है, और बाजार के हर व्यक्ति ये कह रहे हैं कि विकास पैनल इस बार एक इतिहास रचाएगी। हर रोज नए खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे खबर लगते ही आप तक पहुंच जाए।